पीपली नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रमावती रहती थी। उसका एक ही बेटा था विकी, और वो शहर में रहता था, इसलिए रमावती अकेले ही गांव में रहती थी। एक दिन रमावती के बेटे की उसको चिट्ठी आई थी। उस पर लिखा था कि उसका बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाने के लिए कल ही आ रहा है। रमावती आज बहुत खुश थी। सुबह होते ही उसका बेटा विकी गांव पहुंच जाता है और अपने साथ उसे शहर ले आता है। बेटे के घर पहुंचते ही विकी की पत्नी मिली उसके पैर छूती है। तभी पिंकी और सोनू दादी दादी चिल्लाते हुए रमावती से लिपट जाते हैं। आप हमारी दादी हो ना? पापा ने बताया था कि आज हमारी दादी को लेकर आने वाले हैं। दादी माँ, कुछ तो कहो, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पिंकी और सोनू को देखकर रमावती मुस्कुराने लगती है और दोनों को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों बच्चे अपनी दादी को खींचकर अपने कमरे में ले जाते हैं। वो बेचारी अकेले ही तो पड़ी रह रही थी, यहाँ हमारे साथ रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा। माँ ने पूरी जिंदगी तो गाँव में ही बिताई है, शहर में रहना उनके लिए मुश्किल होगा। कृपया आप परेशान मत होइए, मैं माताजी को बोर नहीं होने दूंगी, उनका पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मिनी बहुत अच्छे से रमावती का ख्याल रखती थी। एक दिन रसोई घर से मिनी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। रमावती वहाँ पहुँचती है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? हाय, मेरी कमर मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल नहीं सहा जा रहा। मैं तो बर्तन धो रही थी पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कमर में दर्द होने लगा। बहू तुम जाकर आराम करो, मैं ये बर्तन करती हूँ। ठीक है माँ जी, आप इतना बोल ही रही हैं तो मैं जाती हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। मिली जानबूझकर ऐसा कर रही थी, उसकी कमर में कोई दर्द नहीं था। उसे मुफ्त की नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सारा खेल खेला और रमावती को काम के लिए शहर बुलवा लिया। रमावती काम खत्म करके अपने कमरे में आराम से लेटी थी। तभी पिंकी और सोनू वहाँ जाते हैं। दादी दादी, क्या बात है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज नींद नहीं आ रही क्या? हमें कहानी सुनाइए, हमें पता है आपको बहुत सारी कहानी आती होंगी, सबकी दादी कहानी सुनाती है, हम भी अपनी दादी से कहानी सुनकर ही सोएंगे। ठीक है सुनाती हूँ कहानी। पिंकी और सोनू कहानी सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाते हैं। रमावती बड़े प्यार से दोनों को अपने पास ही सुला लेती है। अगले दिन मिनी फिर से बीमारी का नाटक करती है। हाय रे, ओह ये सर दर्द, दर्द से सिर फटा ही जा रहा है। ओह क्या हुआ मिनी, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? माँ जी आज सिर में बहुत दर्द है और पूरा घर का काम पड़ा है, और इस दर्द की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम रहने दो, ये सब मैं कर लूँगी सारा काम, तुम दवा लेकर थोड़ी देर सो जाओ। मन ही मन में मुस्कुराते हुए मिनी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ये तो कमाल ही हो गया, मुफ्त की नौकरानी मिल गई, काम से पीछा छूटा, अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। मिनी की ये सारी बातें पिंकी और सोनू सुन लेते हैं। सोनू, मम्मी ये ठीक नहीं कर रही दादी के साथ। हाँ, मम्मी ने केवल काम के लिए दादी को गांव से यहाँ बुलाया है। पिंकी और सोनू सारी बातें अपने पापा को बता देते हैं। विक्की गुस्से में मिनी के पास जाता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है, तुम्हें मेरी माँ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें तो केवल नौकरानी चाहिए थी इसलिए तुमने माँ को यहाँ बुलाया, क्योंकि तुम्हें फ्री की नौकरानी चाहिए थी। ये आप क्या बोले जा रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मम्मी के बारे में। मम्मी हमने सब सुना, अभी आप अपने कमरे में जो बोल रही थी दादी के बारे में। आप रोज बीमारी का झूठ बोलकर दादी से सारा घर का काम कराती हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिनी। मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी होगी तब आपकी बहू आपके साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मिनी, मैं अपनी माँ और बच्चे के साथ अपने गाँव जा रहा हूँ, तुम यही रहो अकेली आराम से। मुझे माफ कर दो विक्की, अब मैं कभी माँ जी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा उसे माफ कर दो, उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, अब वो कभी नहीं करेगी ऐसा। रमावती के कहने पर विक्की मिनी को माफ कर देता है। उसके बाद से ही मिनी अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। सास वर्सेस बहू जादुई साड़ी। एक बार एक गांव में सविता कविता नाम की सास बहू रहती थी। उन दोनों का आपस में बिल्कुल नहीं जमता था, जब देखो तब मैं अच्छी हूँ यही कहते रहते थे।
एक दिन कविता का पति सुरेश कविता के पास आकर, कविता बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या मेरे लिए नया पति ले आए हो क्या? ऐसे चिढ़ाते हुए कहती है उस पर सुरेश, तुमसे मैं शादी करके ऑलरेडी मर रहा हूँ ना, और दूसरे का कत्ल करना जरूरी है क्या? ऐसे कहता है वो सुनकर कविता, अब नाटक बंद कीजिए और बताइए क्या ले आए हो, ऐसे पूछती है। उस पर सुरेश लाई हुई साड़ी थैली में से निकालकर कविता को देता है। ढंटड़ा, ये देखो तुम्हारे लिए साड़ी, बोलकर साड़ी दिखाता है। वो देखकर कविता बहुत खुश हो जाती है अपने पति से। ये साड़ी मेरे लिए, आहा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं जी। साड़ी पसंद आई? हाँ जी, बहुत प्यारी है। वैसे इसकी कीमत कितनी है जी? दाम का क्या है, तुम्हें पसंद आया ना, वही 10,000 है। अरे बताइए ना, कितने की है ये साड़ी? ऐसे फिर से पूछने पर सुरेश अपने मन में, ये क्या हर बात पर साड़ी का दाम पूछ रही है, ठीक है खरीदे दाम से ज्यादा ही बोलूँगा, सिंपैथी मिलेगी। ऐसे सोचकर कविता से, बस 10,000 की है, ऐसे कहता है। कविता चौंक जाती है, वो साड़ी 10,000 की है सोचकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, आप कितने अच्छे हो जी, मेरे लिए आपने 10,000 की साड़ी ले आई है, आप बहुत ग्रेट हो, ऐसे सुरेश की तारीफ करती है। वो सुनकर सुरेश बहुत खुश होता है कविता से। अरे तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो कविता, ऐसे शर्माता रहता है। तब कविता सुरेश से, अच्छा जी, अपनी माँ के लिए आपने कोई साड़ी नहीं लाई? तुम कितनी अच्छी हो कविता, तुम्हारे लिए साड़ी लाया तो पूछ रही हो माँ के लिए लाया या नहीं, तुम एक अच्छी पत्नी ही नहीं एक अच्छी बहू भी हो, ऐसे तारीफ करता है। उस पर कविता, मेरी तारीफ बंद कीजिए, सासू माँ के लिए साड़ी लाए या नहीं? नहीं रे, इस बार नहीं जमा, अगली बार माँ के लिए जरूर ले आऊंगा, ऐसे कहता है। वो सुनकर कविता और खुश हो जाती है अपने आप से। हाय, मेरी सासू माँ को रुलाने का अच्छा मौका है, ऐसे बोलकर तुरंत अपनी सास के पास जाकर, सासू माँ, सासू माँ, देखो आपके बेटे ने मेरे लिए साड़ी ले आई है, ये 10,000 की साड़ी है। क्या हुआ, आपके लिए कोई साड़ी नहीं ले आए? वैसे भी क्यों ले आएंगे, वो जितना प्यार मुझसे करते हैं आपसे कहाँ करते हैं, ऐसे चिढ़ाकर बोलती है। वो सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आता है। कविता सविता से ऐसे कहते हुए सुनकर सुरेश डर जाता है। फौरन कविता से, अरे अरे, अभी तो मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अच्छी पत्नी और अच्छी बहू भी हो, माँ बेटे के बीच झगड़ा लगाना चाहती हो, ऐसे कहता है। उस पर कविता जोर से, सुन रही है ना सासू माँ, मैं बहुत अच्छी पत्नी और बहू हूँ। वो बात सुनकर सविता गुस्से से, अरे क्या है ये, मेरे लिए तो सादी साड़ी भी नहीं लेकर आते तुम, उसके लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आओगे, ऊपर से ये बोल रहे हो अच्छी बहू अच्छी पत्नी है वो, मतलब मैं किसकी बुरी सास हूँ? राजू जी की दूसरी बीवी अच्छी है, मतलब पहली बीवी खराब ही है ना सासू माँ? क्या बोलते हो जी, ऐसे कहती है। उस पर सुरेश, अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आग लगाना बंद कर, हाथ जोड़ता हूँ। मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो जी? ओ, इस घर की लक्ष्मी मैं ही हूँ, ऐसे सिंबॉलिकली बता रहे हो, ओके ओके, ऐसे कहती है। वो सुनकर सविता को और गुस्सा आता है अपने आप से। बाप रे, इसकी और एक्टिंग नहीं देख पा रही, ये सब कुछ मुझे रुलाने के लिए ना, बहुरानी अपने आप को ड्रामा क्वीन समझ रही हो, लेकिन मुझसे बड़ी ड्रामा क्वीन कोई नहीं, अब देखो मेरी परफॉर्मेंस, ऐसे सोचकर जोर जोर से, हे भगवान, मेरा बेटा पूरी तरह अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, समय पर पावड़ी भी नहीं है, डूब कर मर जाने को। ऐसे रोने की एक्टिंग करती है। वो देखकर सुरेश और चौंक जाता है सविता से, माँ माँ, अभी क्या हुआ माँ, क्यों इतना रो रही हो? और क्या चाहिए बेटा, तुम तुम्हारी बीवी के तारीफ में लगे हो, वो अच्छी बीवी है अच्छी पत्नी है, तो फिर मैं कौन हूँ,
बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते ना। क्या माँ इतनी अजीब बातें कर रही हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें नहीं पता? तो फिर चलो, उसे 10,000 की इतनी महंगी साड़ी दिलाई है ना तुमने, मुझे कम से कम 20,000 की साड़ी दिलाओ, चलो। ऐसे कहती है, सुरेश चौंक जाता है। कविता अपने मन में, बाप रे सासू माँ, मेरी तरह नाटक करके अब और महंगी साड़ी लेने का सोच रही है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे मन में सोचकर सुरेश से, सुनिए जी, अगर आप सासू माँ के लिए 20,000 की साड़ी लाएंगे तो मुझे 30,000 की साड़ी चाहिए। वो सुनकर सुरेश का माइंड ब्लॉक हो जाता है। तुरंत सविता, तो फिर मुझे 40,000 की साड़ी चाहिए। मुझे 50,000। 60,000। 70,000। 80,000। 90,000। 1,00,000। वो सब सुनकर सुरेश गुस्से से, बाप रे बस करो बस। ये सारी प्रॉब्लम इस साड़ी की वजह से है ना, ये साड़ी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, अब भी ये साड़ी वापस करके आता हूँ, रुको। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो देखकर कविता सविता दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तभी उनके घर में दादी अम्मा बाहर आकर, अरे क्या तमाशा चल रहा है, शांति से सोने नहीं देंगे क्या? इस फालतू सी साड़ी के लिए तुम लोग इतना झगड़ा कर रहे हो तो मेरी पेटी में जो जादुई साड़ी है वो देखोगे तो क्या होगा? ऐसा कहती है। जादुई साड़ी का नाम सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। क्या जादुई साड़ी? हाँ जादुई साड़ी, वो लेकर जो भी बोलोगे वो सोना बन जाएगा। ऐसे कहती है। वो सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों जल्दी से दादी के कमरे में जाकर वो पेटी में से साड़ी निकालते हैं। दोनों वो साड़ी पकड़कर मुझे चाहिए कहकर झगड़ा करते हैं। अरे छोड़, ये साड़ी मेरी है, पहले मैं आई थी यहाँ। पहले कौन आया ये नहीं सासू माँ, यहाँ पर पॉइंट ये है कि किसके हाथ में साड़ी लगी। अरे तुम किससे बात कर रही हो पता है? सविता हूँ सविता। सविता है तो क्या हुआ फालतू, यहाँ पर कविता है कविता। बोलकर फिर से झगड़ते हैं। ऐसे अनजाने में खुद के नाम खुद ही के मुंह से लेते हैं। उससे वो दोनों सोने में बदल जाते हैं। वो देखकर दादी मैंने कहा था ना, वो साड़ी पकड़कर जो भी बोलोगे वो सोना बन जाएगा, तुम दोनों ने खुद का नाम खुद ही के मुंह से ले लिया। हंसना बंद कीजिए और हमें किसी तरह बचाइए सासू माँ। प्लीज दादी बचाइए दादी। ऐसे दोनों गिड़गिड़ाते हैं। तभी वहाँ सुरेश आता है, उनको ऐसे देखकर चौंक जाता है। तभी दादी सारी बातें बताती है। वो सुनकर सुरेश, हश दादी इन्हें ऐसे ही रहने दो, नहीं तो हमेशा झगड़ा ही करते रहेंगे। अरे आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमें बचाओ। हमें अकल आ गई जी, हमें इंसान बना दीजिए, आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसे कहते हैं। उस पर दादी अपनी मैजिक स्टिक से उन्हें फिर से इंसान बना देती है। उस दिन से कविता सविता मिलकर बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन वो बस सुरेश के घर पे रहने तक। सुरेश के ना होने पर वो लोग फिर से झगड़ा शुरू करते थे। चाहे जो हो जाए, हमारी कविता सविता बिल्कुल नहीं बदलेंगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।